हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल। अभी मैं जा रही हूँ यारू को स्कूल छोड़ने के लिए, इसे लेकर आऊँ। नीचे आई थी पहले कुछ काम के लिए, अब ऊपर जाऊँगी उसे लेकर फिर आऊँगी। चलो आ जाओ, मम्मा का हाथ पकड़ो। हाँ, वेरी गुड। इतनी शांत हो जाती है ये यहाँ पे खड़े होके। हाँ जी, ग्रास ग्रास पार्क योर स्कूल यारू। गुड मॉर्निंग। यारू ने बॉटल मेरे गले में डाली है। चलो, कौन वेट कर रहा है? शायद नानी। चलो थक गई मैं तो। आज इसने खाना नहीं खाया, मैम ने बोला है। हाँ, मैम ने फिर फोर्स भी नहीं किया। हमने फूल माला ले ली, हमने पूजा के लिए फूल ले लिए है यारू के साथ। पानी पूरी खानी है, गोलगप्पे खाने हैं। गोलगप्पे और चलो देख लो कौन सा चाहिए। यार कौन सेम है, तो कौन सा चाहिए, कौन सा लेना इसमें से? कौन सा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला लेना है? ले लो, उठाओ उठा लो, कौन सा चाहिए उठाओ, ले लो। देख रही हूँ आप लेना। हाँ ठीक है, कितने का ये? 50 का। भैया तो गोलगप्पे खाने हैं? यस नहीं, गोलगप्पे खाने हैं? अच्छा चलो देखते हैं खाती है नहीं खाती। यारू के लिए बुलाना है मुझे। यारू चलो, यारू खड़े हो उस पे। ये बड़ा है ना, वो आपको पहले से पता है? एक दिन मेरी दीदी आई थी नीचे से। अच्छा, मैं पापा ने दादा वाला छज्जे पर टांगा, बहुत सारे फूटा। इधर हो जाओ, ग्रीन कलर का आप इधर आ जाओ, है ना, वहाँ चिंगारी लगेगी वरना फिर। याशिका बी केयरफुल। ओ स्कूटर यारू की हाइट का कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं उसे। धीरे धीरे गिरना नहीं, चढ़ो इस पे, चढ़ो इस पे। बच्चे से खा रहे हैं। चलो इधर उधर आके, इधर आके, इधर। हाँ ऐसे ऐसे। ओहो वो मूवी याद आ गई, कोई मिल गया अपने बचपन की। सारे बच्चे ऐसे स्कूटर लेके चलते थे, मेरे पास नहीं था मेरे बचपन में। हाँ कुछ भी नहीं था, लग रहा है बचपन में पता नहीं क्या से बचपन था। नहीं तो बहुत अच्छा प्यारा बचपन था। चलो चलो, हमारे पास में इतने सारे खिलौने नहीं थे, शायद नहीं थे, एक्चुअली नहीं, गलत बोल रही हूँ, थे, पर इनसे ज्यादा मजे करते थे हम बच्चों से। देख रहे, मतलब बच्चों में इतना दिमाग होता है, उसे पूरा सिखा लिया इन्होंने। देखो 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 देखो, एक बार वाह यारू, वाह यारू सीख गई। देखो एक बार धीरे धीरे, स्लो 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 स्लो। तो स्कूटर के बाद बाइक भी, और ट्रेनर कौन है? हिमांशी। हिमांशी सबको ट्रेन करा दो, और साथ में ये अलायशा। अलायश और उसने पता है स्कूटर सिखा दिया एक बार में। यारू क्या चला रहे हो आप? यारू क्या है? धूम 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 मचा ले यारू। चलो ऐसे चलाने, मेरे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं यार।
विदाउट चार्जर विदाउट अगर बच्चों को रोको टोको ना तो इसमें कुछ ना कुछ करते रहते नया नया यार बूम बूम बोले ना ऐसा हाँ मैं दे दूंगी पाँच ठीक है नकली नोट लेकर आएंगे हम ठीक है मोड़ो 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 शिवानी आप भी बच्चे बन गए हो हैं। ये घर है हमारा पड़ोस में तो इस घर का आज मैं टूर कराती हूँ। ये घर जस्ट आपको मैंने पहले भी दिखाया है कुछ व्लॉग में जो हमारे घर के पीछे बन रहा है तो आज इस घर के अंदर का टूर करते हैं। ये करोड़ों का घर है 5 करोड़ के आसपास का। ये है पार्किंग यहाँ पे मतलब एज अ हॉल भी ट्रीट कर सकते हो कुछ गेट टुगेदर वगैरह भी कर सकते हो बट वैसे ये पार्किंग है ऑन डॉक्यूमेंट। ये वाली टाइल अच्छी लगी है ये वाली टाइल और डार्क इससे अच्छा ये तो हमारी तरह लग रहा है शिवानी तो पूरा सेम है सेम किचन है किचन भी सेम सी है हमारा हाँ। सेम वैसे बना हुआ है देखो ये भी सब कुछ सेम ही है देखी हाँ चलो ये देखो देख के हाँ ओ ओ उठाना ये घर ना 2 साइड ओपन है तो ये है इसका फ्रंट वाली बालकनी फ्रंट से ऐसा व्यू है ये सामने पार्क है और सीधे रोड मंदिर के लिए जाता है। ये इसका एक बेडरूम है और ये अटैच बाथरूम यहाँ पे 3 BHK बनाए हुए हैं। इस रूम में किसी किसी ने 2 रूम भी बनाए हुए हैं जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा किया हुआ है बट अदरवाइज एक नॉर्मल साइज के 3 बेडरूम निकल आते हैं और ये बीच में एक हॉल है जहाँ पे मोस्टली लोगों ने आधे में डाइनिंग एरिया और आधे में वॉलपेपर लगेगा ना अपना सिटिंग एरिया बनाया जाता है। हो ही गया काम वो लगभग है ना बेसेल पे तो हो गया ना ये वाला काम पूरा ही हो गया इसका। मेरा भी अच्छी बनी है देखो ऊपर तक नीचे भी ड्रॉअर सही है वॉशिंग एरिया भी देखो काफी अच्छा खासा दे रखा है है ना देखो इधर ये बाथरूम हो गया टॉयलेट इधर और ये वॉशिंग एरिया हो गया और ये रहा हमारा घर ये पीछे से अच्छा वॉशिंग एरिया सब बहुत अच्छा दे रखा है ना हाँ इधर से भी हो गया ये वाला बाथरूम दोनों यूज कर लेंगे भैया उन्होंने तो बनाने का पता है भाई वॉशिंग एरिया थोड़ा सा ना एक दो चीज अच्छी हो गई है वही है ना मतलब थोड़ा सा जैसे जैसे बाद में बनेगा ना चीज उतनी बेटर हो जाता है नक्शा है ना अब कोई इसके बाद बनाएगा बाबू इधर आ जाओ आपको भी ऐसे ही होगा ये वाला बाथरूम दोनों साइड से ना दोनों तरफ से गेट होते हैं सुंदर लग रही है संध्या हाय करो हाय करो हाय आपका नाम क्या है तंद्या यार आपका फ्रेंड है ये आप दोनों यार कौन है जो खुला पनीर आता है ना मैं उसे ऐसा पानी में डाल कर खट्टा ना हो और जो ऐसा पैक वाला आता है ओ और जो पैक वाला आता है उसे तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही रखा हुआ है देखो इसे तो ऐसे रख देते हैं बट ये वाला ऐसे रखना पड़ता है। इसमें ना गाजर और मटर हल्की सी मैंने ना बॉईल कर दिया ताकि जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस वो भी बचे हुए चावल से मटर और मोमो से चटनी आई थी लेकिन ना बिना सिरके वाली बना रही हूँ आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो बस फ्राइड राइस बना के मैं व्लॉग यहीं एड करूँ सुबह मैं आराम करूँगी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं आज बच्चों के साथ खेलने में बहुत एनर्जी लगती है क्या हुआ अपना फेस साफ कर रही है अपने हैंड वॉश से
आपके बच्चे के संस्कार उम्र से बड़े हैं। ये मेरी फेवरेट कढ़ाई, बिना लहसुन और प्याज के बनेगा, क्योंकि नवरात्र में ना लहसुन खाते हैं ना प्याज खाते हैं। ये कढ़ाई ना दिखने में सुंदर नहीं है, बट सच बता रही हूँ ये कढ़ाई मेरी फेवरेट है। देखो इसमें बिल्कुल भी लगता नहीं है, देखो, और बहुत कम घी तेल में खाना बन जाता है, और एक बहुत हल्की कढ़ाई है। ये काली मिर्च, अंग्रेज जब इंडिया आए थे ना तो वो काली मिर्च के जरिए ही आए थे, क्योंकि उन्हें पता था हमारे देश में काली मिर्च सबसे ज्यादा होती थी और वो काली मिर्च का ही व्यापार करने आए थे, और आज हम इस चीज़ को निग्लेक्ट कर रहे हैं। सब्जी बनी हुई है आलू सोयाबीन मटर की, पर ये खाने का मन नहीं हो रहा था। विकास जी ने बोला कि मुझे सब्जी रोटी नहीं खानी है, मुझे के लिए फ्राइड राइस बना दे बनकर। चलो ठीक है, 5 मिनट लगे, बन गया। ये डिनर नहीं है एक्चुअली, पर हाँ डिनर के टाइम पे हो रहा है। फ्राइड राइस, हरी चटनी, और ये वाली चटनी है जो मोमोज वाली चटनी होती है, चिली सॉस, दही, और ये जलेबीनो। खुश पिंकी दप्पू बना हुआ है, बाय कर दो, नहीं करना। बाय। इस व्लॉग को यही एंड करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ आज। बच्चों के साथ खेलना भाई बहुत डिफिकल्ट था, बट हाँ अब बहुत टायर्ड हूँ। इस व्लॉग को एंड करूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।